दुनिया भर से सनातन धर्म की सारी खबरों से रहना चाहते हैं अपडेट, तो सब्सक्राइब करें द साइंटिफिक हिंदू को। वैसे तो पूरी दुनिया में तमाम ऐसे मंदिर हैं जिनका रहस्य अपने आप में काफी ज्यादा बड़ा है। लेकिन अगर किसी ऐसे मंदिर की बात की जाती है जो कि मुस्लिम देश में हो, तो हमें फिर यही याद आता है कि शायद वो मंदिर बचा भी होगा या नहीं, या वो मंदिर है तो आज किस हाल में है। अगर हम इसमें उदाहरण के तौर पर देखें तो हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान एक जिंदा उदाहरण है, जिसको देखकर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि एक मुस्लिम देश में मंदिर का क्या हाल होता है। लेकिन फिर याद ये आता है कि क्या पाकिस्तान वाकई में मुस्लिम देश है। मैं तो पाकिस्तान को मुस्लिम का देश नहीं बल्कि कट्टरपंथियों का देश मानता हूँ, जो कि नए नए कन्वर्ट हुए हैं और अपने आप को मुस्लिम दिखाने के लिए ऐसी ही हरकतें कर रहे हैं। खैर, इससे हिंदू धर्म पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। आज हम पाकिस्तान की बात नहीं करने वाले, हाँ मुस्लिम देश की बात जरूर करेंगे। एक ऐसे मुस्लिम देश की हम बात करने वाले हैं जहां पर हिंदू तो दर्शन करने जाते ही हैं, साथ ही फारसी लोग भी दर्शन करने आते हैं। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि यह मंदिर कहां है, किसने बनाया था इस मंदिर को, इस मंदिर का बैकग्राउंड या कॉन्सेप्ट क्या है, सब जानेंगे आज किस वीडियो में। स्वागत है आपका द साइंटिफिक हिंदू पर, और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त धीरेन्द्र। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं कि ये एक ऐसा इस्लामिक देश है जिसकी आबादी 95% मुस्लिमों की है, और यह दुनिया के कई प्राचीन देशों में से एक में आता है। तो दोस्तों, इसका नाम है अज़रबैजान। इसी अज़रबैजान में, जहां 95% मुस्लिम रहते हैं, यहीं पर एक ऐसा हिंदू मंदिर है जिसकी सुरक्षा न सिर्फ अज़रबैजान के मुस्लिमों ने की है, बल्कि यहां पर इस मंदिर का दर्शन करने के लिए ईरान से लोग आते हैं। इस मंदिर के बारे में कई बार मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन इस मंदिर में दर्शन करने के लिए ईरान से लोग आते हैं, ये बात शायद आपको पहली बार पता होगी। तो अब आप सोच रहे होंगे इस मंदिर का नाम क्या है। इस मंदिर का नाम है टेंपल ऑफ फायर। टेंपल ऑफ फायर इसलिए क्योंकि यहां पर एक ज्योति जल रही है, और यह ज्योति अनवरत जलती आ रही है। इस मंदिर को अज़रबैजान में और उर्दू में आतिशगाह कहते हैं, और अंग्रेजी में इसे टेंपल ऑफ फायर। ये मंदिर माता दुर्गा को समर्पित है, और यह मंदिर बेहद पवित्र स्थानों में से एक माना जाता है। ऐसा नहीं है कि ये 10, 20 या 50 साल पुराना ही मंदिर है। इस मंदिर का इतिहास
सैकड़ों साल पुराना है। जानकारी मिलती है कि यह मंदिर करीब 300 साल पुराना है, जिसमें एक अखंड ज्योति जल रही है। अजरबैजान में जहां 95% मुस्लिम आबादी है, इस मंदिर के गुंबद पर त्रिशूल स्थापित है। ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण 18वीं सदी में हुआ है और यहां पर आज भी पूरी दुनिया से अलग अलग जगहों से हिंदू आते हैं। यहां पर आज भी नवरात्रि के दिनों में काफी ज्यादा भीड़ देखने को मिलती है। यहां से निकल रही नौ ज्वाला ज्योत की पूजा होती है। आप देख सकते हैं कि यहां पर एक नहीं बल्कि कई ज्योत निकल रही हैं और जो बीच में मंदिर में ज्योत निकल रही है, इसको हम अखंड ज्योत कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यहां पर ईरान से लोग क्यों आते हैं, तो दरअसल ईरान के पारसी लोग यहां पर भारी संख्या में आते हैं। दरअसल ईरान के पारसी लोग और ईरान के तमाम लोग यह मानते हैं कि यह एक पारसी मंदिर भी था, इसीलिए यहां पर इसका दर्शन करने के लिए ईरान से पारसी लोग भी आते हैं। हालांकि ये आज भी स्पष्ट नहीं हो पाया है कि ये पारसी मंदिर था भी कि नहीं था, क्योंकि ज्योति जलने के साथ साथ यहाँ पर इसके गुंबद पर त्रिशूल भी बना हुआ है। और तो और सालों से माता दुर्गा के रूप में इस मंदिर में आकर के लोग पूजा करते हैं। और तो और इसका इतिहास ये रहा है कि हिंदू व्यापारियों ने इस मंदिर का 18वीं सदी में निर्माण कराया था। आपको बता दें कि अजरबैजान में हिंदू आबादी ना के बराबर है। यहाँ पर जो व्यक्ति इसको हिंदू मंदिर मानकर पूजा करने आते हैं, वह अलग अलग देशों से ही यहाँ पर आते हैं। 2007 में अजरबैजान के राष्ट्रपति ने इस टेंपल ऑफ फायर को ऐतिहासिक आर्किटेक्चरल रिजर्व में होने का ऐलान किया। और इस मंदिर में पूजा कभी कभी ही होती है, और वह तभी ही होती है जब कोई हिंदू यहाँ पर आता है, और बाकी यहाँ पर पारसी तो आते ही रहते हैं। और दोस्तों, इस मंदिर में कई बार भारतीय नेता भी जा चुके हैं। उदाहरण के लिए स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी की यह तस्वीर काफी ज्यादा वायरल होती आ रही है, जहां पर एक बार वह गई थी और स्वयं उन्होंने जाकर के पूजा किया था। तो ये था अजरबैजान का माता दुर्गा को समर्पित एक हिंदू मंदिर। वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।